की खेती में जंगली सुअरों का आतंक, किसान परेशान, नहीं सुन रहा वन विभाग। मध्य प्रदेश में भले ही सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है और किसानों को फायदा भी मिल रहा हो, लेकिन पन्ना जिले के सोनारा ग्राम पंचायत के लोगों के खेतों में जंगली सुअरों का आतंक देखने को मिल रहा है। रात होते ही जंगली सुअर जंगलों से निकलकर किसानों के खेतों में आ जाते हैं और खेती को चौपट कर देते हैं। खेती को चौपट देखकर किसानों के माथे पर फिर कर्ज की लकीर देखने को मिली है। भले ही सरकार कर्ज माफी में लगी हुई हो, लेकिन इस कर्ज को कैसे चुकाया जाएगा? वहीं परेशान किसानों ने इस संबंध में वन विभाग के कर्मचारियों को भी कहा है, लेकिन अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं। इस पूरे मामले में पन्ना रेंजर का कहना है कि ये बात सत्य है कि रात होते ही जंगल से निकलकर कुछ जानवर पानी की तलाश में खेतों में जा घुसते हैं और किसानों की खेती को चौपट कर देते हैं, लेकिन किसानों की चौपट खेती का मुआवजा के लिए किसान राजस्व पटवारी को जाकर आवेदन लिखें, साथ ही उनको मुआवजा भी मिलेगा। हमारे वन विभाग में जंगल की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए कोई फंड आता है तो हम शीघ्र ही बाउंड्री वॉल बनवा देंगे। भाई साहब, आपसे बता रहा सच्ची आत्मा की बात, खास घाट पर का तू घर में नहीं निकलेगा, अंदर वाले अरे तुम तो तारे तारे देखो और भी लेवा चली मां दे में पूरे में देख लो आओ कछु है ही नहीं उनकी खकरी बांध खुला है बैठ जाओ पे थोड़ी आओ तना रांदा तुम अपने खेत में जी सुमरन ने खाओ जो और ढो नहीं आउ जाली लगी बाल लगे और दिन रात आदमी परत यहाँ चना की खेती हुई है जी। सुमरा जंगल विभाग के आते हैं तो नुकसान किया हमारा पूरे खेत का। सुमरा जंगली जानवर, जंगली जानवर है जी। कितना नुकसान कर गई है जी? 1 एकड़ का कर गई। इसकी जानकारी दी आपने? हाँ, जंगल विभाग वाले राजा को, वो है फॉरेस्ट गार्ड है जो, उसको जानकारी दी तो वो आके कह रहे थे फंदा अंदा नहीं लगाना, तो हमने कि हम नहीं लगाते फंदा अंदा, हमारा नुकसान देख लो आप, तो उसके बाद फिर आप कानूनी कार्रवाई करें। क्या कोई कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं सुन रहे वन विभाग? नहीं, कोई नहीं सुन रहा। क्या नाम है आपका? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के परिवेश में जंगली सुअर हों, चाहे नीलगाय हों, चाहे सांभर हों, सुरक्षा के कारण उनकी प्रजनन क्षमता और जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है उनकी। और अक्सर है क्या कि जैसे जंगल क्षेत्र में यदि पानी ख़त्म हो गया और गांव की ओर गांव के नाले में यदि पानी है तो जंगल से पानी पीने के लिए जानवर उतर आते हैं, और जैसे जंगली सुअरों के आतंक की बात आ रही है उनके फसल नष्ट करने की, तो पहले वन विभाग जिस किसान का जो भी फसल का नुकसान होता था वन विभाग उसका मुआवजा देता था उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, परंतु अब वन विभाग से हटकर वो राजस्व उसमें चला गया, तो राजस्व प्रपत्र के अनुसार उसमें पटवारी और तहसीलदार को पावर है, पटवारी उसका मौका मुआयना करेगा और हमारे साथ भी निरीक्षण होगा, हम उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे और ये लिखेंगे कि इसकी इतनी क्षति हुई है, तो तहसीलदार को पावर है कि उसकी क्षति का जो आकलन करके और चेक जारी करें संबंधित। सर, ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र का जो एरिया है उसमें कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कोई तार बाउंड्री नहीं है, जिस कारण से आए दिन जानवर हम लोगों के खेतों में आते हैं, सर ये वन विभाग की लापरवाही? अभी जो सिद्धनाथ वाली पहाड़ी है हमने फेंसिंग करने का एक प्रस्ताव भेजा है, तो जैसे यदि सेंक्शन मिल जाती है तो सुनहरा गाँव के चारों तरफ फेंसिंग कर देंगे तो वाइल्ड लाइफ से फसल की सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन जब तक यदि नहीं हो रही अभी फिलहाल, तो यदि किसी का नुकसान हो जा रहा है किसी का फसल का तो वो अपने पटवारी से संबंध बना के संपर्क करके और जो क्षति हुई है उसका आकलन करके और वो दें, तो तहसीलदार को अधिकार हैं उसमें। किसान भी